पेट्रोल चोर। एक गांव में नदीम नाम का बंदा दूसरे गांव से दूसरे गांव को जाके उसके पास के चटाइयां बेचता है। तो उसके पास एक पुरानी ज्यादा पेट्रोल पीने वाली गाड़ी रहती। अब वो चटाइयां भी वो गाड़ी के ऊपर ही बेचता था। चटाइयां ले लो भाई, चटाइयां ले लो, चटाइयां चटाइयां चटाइयां। अरे वो चटाई वाले भैया, जरा इधर आओ, तुम्हारी चटाई तो कितनी खूबसूरत है, मेरे को 5 चटाइयां दे दो। देखो बाजी, मेरे पास पूरे चटाइयां खत्म हो गए, सिर्फ मेरे पास 2 चटाइयां बच गए हैं। अगर तुमको राजी हो तो कल मैं 3 चटाइयां लाके दे देता हूँ, क्या बोलते? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। दूसरे दिन नदीम वो औरत के घर को जाता, लेकिन वहाँ पर कौन भी नजर नहीं आते। लेकिन घर के सामने एक शानदार गाड़ी देख के परेशान हो जाता। बाद में दरवाजा जाके खटखटाता, कोई जवाब नहीं मिलता। हाँ, घर में कौन नहीं जैसा दिख रहा। चलो वापस चल जाएंगे, क्या करना अब, बोल के बाहर निकल के गाड़ी स्टार्ट कर लेके निकलना ही होता, तभी गाड़ी में उसके पेट्रोल खत्म हो जाता। अरे सुबह से कुछ भी बिकायत नहीं, ऊपर से पेट्रोल भी खत्म हो गया। बाद में हल्के से जाके गाड़ी का पेट्रोल पाइप डाल के निकाल लेता। ये तो बहुत अच्छी बड़ी तरकीब है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब दूसरे दिन से अब ये काम करता रहता। जो भी गांव में बंदे नहीं रहते वहां से जाके चुपचाप पेट्रोल डाल लेके घर को चल जाता रहता। वाह रे भाई वाह, मेरे चटाइयां भी बिक जा रहे, वैसे आने जाने का खर्चा भी बच जा रहा। गांव में लोग यहाँ परेशान होने लगते, अरे भाई ये कौन तो भी है पेट्रोल चोरी कर लेके जा रहा हमारे गाँव में, कितना भी पेट्रोल डालो दूसरे दिन खत्म हो जा रहा, हाओ भाई हाओ। बाद में गाँव वाले पूरे लोग मिलके एक तरकीब बनाते, उनके सारी गाड़ियां एक जगह इकट्ठा कर लेके पेट्रोल की जगह एक रंग का पानी मिला के रख देते। उसी दिन वहां से नदीम गुजरता। बड़े भाई क्या हुआ, इतने गाड़े यहाँ ठेरा करके रखे हैं? कल हमारे गांव में रेस कंपटीशन है, उसी की तैयारी हो रही इधर। वाह रे भाई वाह, ये 4 गाड़ा में तो बहुत पेट्रोल होगा, आज रात में एक बड़ा बाटिल ला लेके आके पूरा पेट्रोल निकाल लेता हूँ, निकाल लिया तो मेरे को बहुत दिन चलता। उस दिन रात में नदीम जाके पेट्रोल निकालने के वास्ते कोशिश करके पाइप डालता छोटा, तब भी वहां से एक आदमी नजर आता। वो आदमी नदीम को देख के जोर जोर से चिल्लाता, पेट्रोल चोर पेट्रोल चोर पेट्रोल चोर। सब लोग मिल के उसको मारना शुरू करते, मार को उसको पुलिस के हवाले कर देते। बाद में उन जेल में सड़ जाता, इसलिए बोलते चोरी नहीं कर। ऊंट और सौदागर। सौदागर का घर रेगिस्तान में था, उसके पास एक ऊंट था, उसका नाम टुम्बू था। टुम्बू बहुत आयता और मौका बरस था, लेकिन सौदागर बहुत अच्छा आदमी और सबर का बंदा था। अरे टुम्बू, हम बहुत देर से चल रहे हैं, बहुत थक गए हैं, घर भी बहुत दूर है, एक काम करेंगे आज रात यहाँ पे रुक जाएंगे। अच्छा मालिक, बस मेरा खाने पीने का इंतजाम कर दो, काफ़ी है। अरे टुम्बू, खाने की फिक्र नको करो, बहुत है। सौदागर रेगिस्तान में एक सीमा बना लेता, खाना खाने के बाद बंदा आराम से सीमा के अंदर जाके सो जाता। तब भी टुम्बू, मालिक मालिक बाहर बहुत ठंड है, मेरे को ओढ़ने के वास्ते क्या तो है तो दो। अरे टुम्बू, मेरा बिस्तर बहुत छोटा है तेरे वास्ते, अब भी खाना खाया ना, जड़ी देर रुक, गर्मी बढ़िया थी। तुम कैसा बोले वैसा मालिक। फिर थोड़ी देर के बाद ही टुम्बू फिर से आवाज देता, मालिक मालिक। अरे क्या हुआ रे फिर को। मालिक बाहर बहुत ठंड लग रही, मैं भी सीमा के अंदर आ जाऊं। अरे पागल है क्या, सीमा बहुत छोटा है, तू आएगा तो कैसा, एक काम कर, तेरे 2 पैरा पीछे से रख दे अंदर। टुम्बू वैसे उसके पैरा सीमा के अंदर रख देता। फिर थोड़ी देर बाद, मालिक मालिक। क्या हुआ रे भाई फिर को। मालिक थोड़ा अंदर आता हूँ मालिक, और थोड़ा अंदर आता हूँ। अच्छी बात है, आ जा। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे टुम्बू अंदर आते 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 पूरा अंदर आ जाता। उसके दुम से
सौदागर को नीचे गिरा डालता। सौदागर सीमा के बाहर निकल जाता। अरे टुम्बू, मेर को क्या रहे, सीमा से बाहर निकाला, इधर से चल भाग यहाँ से। लालची बीवी। एक गांव में इद्रुस नाम का बंदा अपनी बीवी के साथ रहता था। वो जंगल से गून, लकड़ियाँ, सब्जी, फल फलारी लाकर बेचता था। एक दिन इद्रुस की बीवी नाराज होकर बोली, कैसे आदमी है जी तुम, मेरी फिकर जरूरी भी नहीं है तुम्हारे। मेरे पूरे सहेलियां मेले में गए, मैं एक जनित घर में बैठी हुई हूँ, मेरे को भी पैसे दो, मैं भी जाती हूँ मेले में। देखो बेगम, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मैं अब जंगल जाके कुछ ना कुछ करता हूँ, कुछ आए तो पैसे जब लेके जाएंगा ते, बोल के वो जंगल चले जाता। जंगल जाने के बाद उसको एक दरख्त दिखता, उसको लगे हुए कुछ फल देख के तोड़ने की कोशिश करता। कितना कोशिश करे तो भी वो फल नहीं तोड़ सकता, तो बाद में सोचता, ये झाड़ तो बहुत बड़ा है, एक काम करता हूँ, ये झाड़ कुछ काट डाल दूँ। जैसे द्रुस अपना कुड़ाली उठा के झाड़ को मारने जा रहा था, तो उसको एक आवाज आती, नक्को, ऐसा नक्को करो, मैं एक चमत्कार दरख्त हूँ, मेरे को नक्को काटो, लेकिन मेरे को वो फल होना है, वो फल बेचे तो पैसे आते और मेरी बीवी को देना है। ऐसा है तो एक काम करो, मेरी एक डगाली तोड़ लो, वो सुनने की हो जाती, वो बेच के तुम्हारी बीवी को पैसे दे दो। अच्छी बात, ऐसी करता हूँ। इद्रिस एक डाली तोड़ लेता है, तोड़ने के बाद वो खुद ना खुद सोने की बन जाती। वो बेच को पैसे लाके अपनी जोरू को दे देता। क्या हुआ कि पूरी बात अपनी बीवी को बोलता, वो दरख्त इतना अच्छा था तो ज्यादा डालियां लेके आना था, एक डाली से क्या होता बोलो। बीवी की बात सुन के वो झाड़ के पास भीड़ को जाता और एक डगाली तोड़ लेके आता, तो पेड़ बोलता, इद्रिस तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे को एक ढेली दिया था, लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत लालची दिख रही, और एक मर्तबा फिर को इधर नक्को आओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी और डगालियां तोड़ लेके आओ बोल के सताती, दोबारा फिर को तोड़ने के वास्ते आएंगे तो ये किस्सा खत्म हो जाता, वो दरक गायब हो गया बोल के अपनी बीवी को बोलो। ये बातें सुन के इद्रिस बहुत शर्मिंदा हो जाता। मैं इधर रोजाना तुमसे मिलने के वास्ते तो आ सकता हूँ ना, तो ये बात पे दरख भी मान जाता। तब से इद्रिस भी पेड़ दोनों अच्छे दोस्त हो जाते और रोजाना मिलते रहते। घमंडी बिजली मेस्त्री। एक गांव में सिराज नाम का एक बंदा था, वो बिजली का मेस्त्री था, सरकारी नौकरी थी, ऊपर से पूरे गांव को एक ही बिजली मिस्त्री था। एक दिन एक गौवाले ने उससे बोला, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बिजली नहीं है, क्या करूँ, तुम्हें कितने दिन से कंप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, एक दिन में कितने कंप्लेन आते मालूम तुम्हारे को, अच्छी बात है, देखता हूँ अभी। लगता है ये ट्रांसफार्म का कॉइल जल गया, एक हफ्ता लगेगा शहर से मंगाने के वास्ते। क्या एक हफ्ता, तुम्हारे पास दूसरा कॉइल नहीं क्या? देखो तुम्हारे को क्लैरिटी से बोल दूं, एक काम करना बोले तो 1000 रुपए होते। अच्छी बात है, कर डालो फिर। तभी वो गांव को एक पति पत्नी ऑटो रिक्शा में बैठ के आते। वो आदमी ऑटो से उतर के मीटर को देखने लगता, हेलो मीटर के 200 रुपए हुए ना? अरे साहब मैं मीटर चालू नहीं करा। हाँ मालूम है, इसका से तो 200 रुपए दे रहा हूँ। हाँ ये क्या तो बोल रहे, मैं आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, इधर गांव को नहीं आए है क्या? हाँ मेरा नाम वाहिद है, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, आज से एज गो में रहता हूँ। वाहिद घर पे टीवी देखते रहते जब बिजली चली जाती। ये क्या फिर से बिजली चली गई, मैं कंप्लेंट करी थी ना, ऐसा दिख रहा फिर से कंप्लेंट करना पड़ता। फोन करने के बाद सिराज साइकिल के ऊपर वाहिद भाई के घर को पहुंचता। ये क्या भैया, आने में इतनी देर लगा दिए, हमारी हालत, हम लोग कितने परेशान हो गए थे मालूम। लगता है तुम लोग ये गांव में नए से आए सरका है, तुम्हारे को मेरे बारे में नहीं मालूम।
अरे बेगम, कई को उसके ऊपर नाराज हो रहे, उन आगे ना काम करने दो उनका। भाई इनके बातें छोड़ो, काम क्या है देखो, क्या प्रॉब्लम है कि ये है ना बात करने का तरीका। देखो तुम्हारी मियाँ कितना क्लैरिटी से बात कर रहे कि हाँ मियाँ, मैं कभी भी क्लैरिटी से बात करता हूँ। बाद में सिराज उनका मीटर चेक करके बोलते, तारों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सामान शहर से मंगाना पड़ता, 10 दिन टाइम लगता। देखो मैं आपका आप करो वो तो कर देता हूँ, लेकिन पूरे 1000 रुपए होते। अरे तुम्हें इतना क्लैरिटी से बोलने के बाद तुम डाल दो, मैं दे देता हूँ 1000 रुपए। अरे साहब आप तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे, अभी ठीक कर देता हूँ, एक 10 मिनट के वास्ते मेन बंकर डालो, बाद में ऑन कर डालो। अरे भाई क्लैरिटी से बोलो, कितने मिनट बंक करना है? 10 मिनट। पक्का 10 मिनट ना? 10 मिनट के बाद ऑन कर डालो। अरे साहब कई को बात बात पूछे से पूछ रहे, ऑन कर डालो ना। बाद में वाहिद मेन ऑफ कर देते, लेकिन 10 मिनट के बाद ऑन कर देते। बाद में सिराज को बिजली का शॉक लग के नीचे गिर गया था। क्या इंसान है जी तुम, काम होने के बाद ऑन करना ना, बीच में कहीं को ऑन करे। मैं तुमको पहले पूछा 10 मिनट के बाद ऑन करना क्या बोले, तो ऑन करो बोले, तुम क्लैरिटी दे दिए इसलिए ऑन करा क्लैरिटी से। बाद में सिराज उठ को बेचारा लंगड़ता हुआ अपने घर चले जाता। सीख, अपने को कभी भी घमंड नहीं करना।